फर्स्ट टेस्ट चेन्नई में बांग्लादेश को 280 रन से बहुत बुरी तरह से हराने के बाद अब इंडिया का बांग्लादेश के साथ जो सेकंड टेस्ट मैच होना है वो है 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। इस वीडियो में सेकंड टेस्ट मैच का प्रीव्यू करने वाले जिसमें पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और बहुत कुछ इसमें बातें करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखना। चलो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। फर्स्ट टेस्ट मैच जीतने के साथ अनाउंस कर दिया था टीम इंडिया ने कि उन्होंने जो फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिए गए थे वही सेम स्क्वाड रिटेन कर रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 में पक्का कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। ऊपर से ईरानी कप का मैच होना है मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में, तो उसके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सरफराज खान को रिलीज कर दिया जाएगा इंडिया स्क्वाड से ताकि वो जाकर खेले मुंबई के लिए। और देखा जाए तो ये बहुत अच्छा ही है क्योंकि बेंच में बैठने से ज्यादा बेटर ही होगा कि वो जाकर एक डोमेस्टिक मैच खेल ले। साथ ही रेस्ट ऑफ इंडिया की जो स्क्वाड आई है उसमें यश दयाल और ध्रुव जुरेल का भी नाम रखा है जो इंडिया स्क्वाड के साथ है, तो अगर ये लोग प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनाते तो शायद से इनको भी रिलीज कर दिया जाएगा ताकि ये जाकर वहां पे खेल सके। इसे एक और बात समझ में आती है कि प्लेइंग 11 में बैटिंग से रिलेटेड कुछ भी चेंज नहीं होने वाला और सेम बैटिंग लाइनअप खेलेगी। बस उम्मीद करते एक चेंज हो और वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म में। प्लीज मैं तो चाहता हूं और मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि ये दोनों बड़े स्कोर लगाए। देखो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और वो है पिच रिपोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा जो प्लेइंग 11 का सिनेरियो है वो डिपेंड रहने वाला है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सेकंड टेस्ट मैच खेला जाने वाला है ग्रीन पार्क स्टेडियम में जो है कानपुर में, और यहाँ पे जनरली हमने देखा है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल का मतलब यहाँ पे स्पिनर आ जाते हैं गेम में। यहाँ पे वैसा एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिलेगा जो हमें रेड सॉइल पिच में जो मिला था चेन्नई में, वैसा यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे स्पिनर्स काम आ सकते हैं और उस हिसाब से दोनों टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। जो थर्ड पेसर था उसके जगह पे एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं। एक और नोटिसेबल बात है कि पिछले दो टेस्ट मैचेस जो खेले गए थे वो थे दोनों के दोनों न्यूजीलैंड के सामने और वो 5 दिन वहां पे सर्वाइव किए थे। पिछला टेस्ट मैच जो 2021 में हुआ था वो तो वहां पे ड्रॉ हुआ था। तो यहाँ पे बैटर्स बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और आपको यहाँ पे बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिपोर्ट की। तो अब तक 14 टेस्ट मैचेस खेले गए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में और इंडिया ने जीते हैं उसमें से 12, दो ड्रॉ हुए हैं और बांग्लादेश का खाता हमें अभी भी 0 ही है। अब आगे बढ़ते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि इस टेस्ट मैच के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बोला कि बैटिंग ऑर्डर्स ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है, तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल हमें फिर से एक बार ओपन करते हुए दिखेंगे। 3 पे शुभमन गिल, 4 पे विराट कोहली, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे केएल राहुल, नंबर 7 के ऊपर अक्षर पटेल आ सकते हैं मे बी अगर रविंद्र जडेजा को रेस्ट देना हो तो, नहीं तो रविंद्र जडेजा भी ये टेस्ट मैच खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 8 के ऊपर आर अश्विन जो WTC के सभी मैचेस खेलते हैं, इंडिया को एक अच्छे पोजीशन तक लेके जाते, फाइनल में क्वालिफाई करवाते और जब एक इंपॉर्टेंट मैच होता है WTC फाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप फाइनल हो तो वही हमको नहीं खेलते हुए दिखते। नंबर 9 के ऊपर मेरे को लग रहा है कुलदीप यादव हो गए और जो दो पेसर हो गए वो हो गए मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। मेरे को लग रहा है श्योर शॉट जसप्रीत बुमराह को यहाँ पे रेस्ट दिया जाएगा। आगे न्यूजीलैंड की सीरीज है जहां पे 3 टेस्ट मैचेस होने हैं और फिर BGT भी है, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तो उसके लिए जसप्रीत बुमराह को फिट एंड फाइन रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी छोटे सैनिकों को मारने के लिए कहां पे जसप्रीत बुमराह को उतारना। अब बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस प्लेइंग 11 में एक चेंज तो कंफर्म हमको शायद से देखने को मिल सकता है, वो है नाहिद राणा की जगह पे तैजुल इस्लाम को इस टीम में ला सकते हैं। जस्ट बिकॉज अगर शाकिब अल हसन खेलता भी है इंजरी के चलते तो वो बॉलिंग नहीं करने वाले, एज द बैटर ही सिर्फ खेलेंगे, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर तो उनको चाहिए ही होगा। अगर वो तब तक फिट हो जाते हैं तो वो एक्चुअल में 3 स्पिनर के साथ खेलेंगे। फिर अब बात करते हैं कुछ प्रेडिक्शन की। तो मेरे हिसाब से इस मैच में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाएंगे यशस्वी जायसवाल, बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन चांदू। इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेंगे इंडिया के लिए आर अश्विन और मेरा प्रेडिक्शन है बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेंगे मेहदी हसन मिराज। वैसे आपके क्या प्रेडिक्शन है प्लेइंग 11 को लेकर दोनों टीम्स के, ये भी कमेंट करके जरूर बताओ। साथ ही अपने प्रेडिक्शन मोस्ट रन मोस्ट विकेट ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, उसके ऊपर आप आर अश्विन का ऑफ स्पिन फेंको या फिर रविंद्र जडेजा का शोर सेलिब्रेशन, मेरे को नहीं पता, लाइव हो जाना चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखो लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं है लेकिन चैनल को इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। मिलता हूं आपको अगली वीडियो या लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि यहां पे इस चैनल के ऊपर अब लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गए। जैसे ही दिन खत्म होता है वैसे ही मैं लाइव आता हूं आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए, तो उसमें भी आप डिस्कशन का पार्ट बन सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।